गुड मॉर्निंग ऑल। आज अमृता ने बहुत ही बढ़िया केस डाली है और उसका फॉलोअप सुन के देख के ना मैं तो हक्का पक्का रह गई, क्योंकि ये केस के पीछे ना ये घड़ी लगी है अमृता। तो मैंने पहले देखा तूने कितने बजे मीन्स ड्रॉप डाला और कितने बजे उसने फॉलोअप लिया, तो ये मैंने देखा और मेरा बोला बहुत ही बढ़िया केस है। आप अमृता ये केस तो डाल ग्रुप पे, बहुत बढ़िया केस है। थैंक यू अमृता, बोल अभी। थैंक यू मैम, आप सभी के वजह से तो मैं कर पा रही हूँ। नहीं, सब एक दूसरे से सीखते हैं, हमारी भी हम भी आपके जैसे ही हैं, सीख ही रहे। अभी 7 जन्म मिले तो भी होमपैथी सीख नहीं पाएंगे हम लोग, तो क्या करें। शेयर करनी है केस की, वैसी बोलनी है तुझे। दोनों भी कैसे भी आप बोलेंगे वैसे कैशियर, अभी सबने शायद देखा होगा उसमें, तो अपन सीधा भी बोल सकते हैं या शॉर्ट एनालिसिस मैं मैम बता देती शेयर करिए, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, शेयर करिए। हाँ चलेगा। लेकिन वीडियो, हाँ ये वीडियो यूट्यूब पे आया तो चलेगा क्या अमृता, ये पूछ रही मैंने, तो फिर ऑडियो करते हैं। मैं वो उसको पूछ लेती हूँ, वो पेशेंट ने तो मुझे बोला आप शेयर कर लो कहीं पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो लेकिन वैसे भी वो ब्लर ही है। चलो हाँ, ये थोड़ा सा क्या होता है वीडियो से, फिर हमें समझ में आता है ना कि हमने बहुत गलत रूब्रिक लिए हैं, तो वो कैसे नहीं है वो भी समझ में आएगा ना। सुधर तो खाने वाला मुझे जैसे भाजी सुधर दिख रही है केस और आवाज, ऐसा जो याद आ रही है उड़े मुझे जैसे इसमें से नहीं दिखेगी शायद, नहीं दिख रही ना, ब्लैक दिख रहा है ना। ब्लर है मैम, ब्लर है ब्लर है लेकिन आवाज आ रहा सुधर है तो ना। खाने वाला चलो मुझे जैसे भाजी सुधर है मैम आवाज आ रहा है ना पेशेंट का। यस चलो ऐसा जीवावर याद आ रही एवढं मला त्याचं भरलं ना असं ओढ लागल्यासारखं म्हणतो ना तसं व्हायला लागलं, दुखत नसलं की काही नाही, म्हणजे मला आतून पण फ्रेश वाटतं, मला की म्हणजे काम पण करावं असं वाटतं किंवा अजून काही असेल तर तेही करावं, पण हे असं ठसठस व्हायला लागलं ना ते गप्प शांत एका ठिकाणी गप्प बसून राहावं असं। ओके बोला अमृता, ये जो केस है मीन्स क्या हुआ, ये लेडी को चीफ कंप्लेंट क्या है बोल पहले। ये लेडी है ना मेरे पास उसके बेटे को दिखाने आई थी, और यहाँ से जाते जाते कॉर्नर पे वो गिर गई, नहीं हुआ ऐसा कुछ तो जर्क लगा ऐसा। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम उसके बेटे के फॉलोअप में आई, तब मुझे उसने बोला कि मुझे थोड़ा उस दिन जर्क लगे जैसा हुआ 2-3 दिन के बाद। तो मैंने बोला ठीक है अभी 2-3 दिन हो गए, तो आप आइस पैक से सेक के देखो, अगर नहीं कब हुआ तो देखते, क्योंकि उसने भी मुझे कैजुअली पूछा था तो मैंने भी उसको कैजुअली आंसर दिया। बाद में फिर 2-3 दिन के बाद उसका आइस पैक से जब सेकने के बाद कम नहीं हुआ, तब वो फिर मेरे पास स्पेशली दिखा रही है, तो तब वो बोली कि स्टार्टिंग को मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तब उसने बोला कि सब्जी भी बनाने हैं तो सूझता ही नहीं है और कंटिन्यू पेन होते रहता है ऐसा। बराबर, लेकिन उसने तुरंत मेडिसिन नहीं लिया ना, तूने जब बोला आइस पैक लगा ले तो फिर उसने नहीं बोला कि मुझे मेडिसिन दे दो अभी, हाँ उसने उसने आइस बोला पैक कि देख। लगाया। हाँ हाँ बराबर। तुम्ही डिस्टर्ब म्हणजे मला कुणी काम नका सांगू, मला काहीच नाही। सांग हाँ आणि त्याच्यात ते रिद्वी पण मुद्दामच मग तुम्ही थोडंसं किचन मध्ये वगैरे हेल्प का नाही घेत कुणाची माझ्या। देखो फिर ये उसको जब बोला कि वो, मैंने उसको पूछा फिर अभी दर्द हो रहा है तो आपको कुछ ऐसा चिड़चिड़ वगैरह हो रहा है क्या, तो वो बोली हाँ वो सूझता ही नहीं है और चिड़चिड़ होती है और उसमें उसकी बेटी भी अटक से परेशान करती है ऐसा उसका कहना था। तो मैंने उसको पूछा कि फिर आप हेल्प क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि वेल टू डू फैमिली से है वो। तो मैंने उसको पूछा कि आप फिर किसी को मदद लगाओ, मेड वगैरह क्यों नहीं लगा रहे खाना बनाने को, क्यों बना रहे आप। तो उसका आगे मैडम लगाई तुम्हाला बोलू असं झालंय आणि झालंय असं की 1 तारखेनंतर मी परत महिनाभर गावी जाते सुट्टी, सो ते अचानक त्या दिवशी ते तो दिवसच माझ्यासाठी। तो उसने क्या आंसर दिया जब तूने बोला। उसने बोला कि क्या हुआ अभी ऐसे सडनली कौन आएगा एकदम से ऐसे मेरे प्रॉब्लम के लिए, और दूसरी बात कि अभी 1 तारीख से मुझे तो गांव जाना है, मतलब उसका कहना ऐसा था कि अभी ये बीच में ही लगाऊंगी तो मेड लोग तो मंथ का पैसा मांगेंगे ऐसा कुछ उसका बोलना था। तो इस हिसाब से उसने क्या बोला कि अभी 1 तारीख से तो मुझे गाँव जाना है ना, तो 7-8 दिन के लिए ऐसा, मतलब उसने कम्प्लीट नहीं किया वो सेंटेंस।
बराबर है, मीन्स अभी मैं अगर बाई लगाऊंगी तो वो ज्यादा पैसे लेगी ना, बीच में ही रेगुलर होती है तो वो अच्छे से लेती, मीन्स बराबर लेती, लेकिन बीच में अगर कोई हम लोग मेड लगाते हैं तो वो क्या लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और उसे वैसे भी गांव को ही जाना है ना, तो फिर खाली फीली क्यों पैसा खर्च करने का, ये समझो। बाद होता असं म्हणलं तरी चालेल. सकाळी पण मी बाहेर काहीतरी कामासाठी पडलेले, ती कामं झालीच नाही. त्याच्यात माझ्या गाडीचं ते रिमोट आहे, त्याचा सेल डाऊन झालेला, खिल्ली नेमकी डिक्की, ती गाडी चालू नाही झाली. ह्यांना तिथे बोलवलं मी, बस ते घरी होते म्हणून ते मॅनेज झालं नाही, तर मला तिथून परत रिक्षा करून त्या घरी. दिवशी आपलं मिस इन्सिडेंट बताया ऍक्च्युली उसने आपका? बताया. हाँ, उसने ऍक्च्युली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी. उसने बोला उस दिन ही मेरा मेरे लिए अच्छा नहीं था. उस दिन मेरी गाड़ी का चाबी का सेल डाउन हो गया था और गाड़ी की चाबी भी डिक्की में थी, तो मेरा प्रॉब्लम हो गया. बट नसीब से उस दिन हस्बैंड घर पे थे तो मैनेज हो गया. और सुबह सुबह भी मैं घर के काम के लिए बाहर निकली थी तो कोई भी काम नहीं हुआ उस दिन. तो वो दिन ही मेरे लिए बात था, मतलब कुछ काम का नहीं था. हाँ असं म्हणायला हरकत नाही. हो, फुल डे माझा असा ह्याच्यात गेला. मीन्स उसका ये मानना है कि उसका वो दिन वेस्ट ही गया। वो दिन बेस्ट. आईस पॅक लावलं की मात्र मला एवढं एकदम असं रिलॅक्स होऊन अशी तरतरी आल्यासारखं होतं. पण मग ते ठणकायला लागलं, ठणका नाही आहे असं बारीक एक कंटिन्युअस दुखत राहायला लागलं. बोल अमृता. उसने उसने बता हाँ उसने बोला आइस पैक लगा है तो एकदम रिलैक्स लगता है, पर दर्द भी बहुत ज्यादा नहीं है. दर्द बहुत ठंड का मतलब सिवियर पे, तो एकदम सिवियर पेन तो नहीं है, बट हर बारी कैसे मतलब हल्का कंटिन्यू रहता है ऐसा. काल रात्री काहीतरी 11 च्या दरम्यान मला ते दुखत होतं, म्हणून मी फक्त एक चमचा आईमॉल पिलं, कारण माझ्याकडे टॅबलेट नव्हती. कळलं कळलं मला, तू तिथे पिलं म्हटलं म्हणून मी बघितलं. बोल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तू तुझे बोली ना, कळलं कळलं मला, समझा समझा बोली. हाँ एक्चुअली क्या हुआ, उसने वो सिरप बोला ना, मैंने एक चमचा आईमोल सिरप पिया. अभी ये बड़ी लेडी है तो समझदार भी है, उसने आईमोल सिरप पिया, ऐसा मेरा रिएक्शन था उसके पास. सिरप तो बराबर. वो बोली हाँ सिरप ही बता रही हूँ. फिर उसने आगे एक्सप्लेन किया सिरप क्यों पिया, तो मुझे हंसी आई क्योंकि उसके घर के नजदीक ही मेडिकल है, लाना रहता है तो वो ला भी सकता. बराबर है. टॅबलेट नव्हती ना, मग आता ह्या मुलींच्यामुळं एक रिझर्व थोडी मेडिसिन्स आहेत, त्यातलं मग एक चमचाभर आईमॉल घेतलं सिरप. मग त्याच्यानंतर मला कधीतरी झोप लागली, तेवढं म्हणजे पेन किलर मध्ये तेवढं एकच घेतलं मी, बाकी असंच काही नाही खाल्लं. मग आता म्हणलं उगाच त्या अंगावर काढून जास्ती त्रास होण्यापेक्षा जाऊया. हाँ और एक्चुअली यहाँ पे मेडिकल भी मतलब ऐसे दूर तो कभी भी, अभी पुणे में तो सब नियर बाय मिल जाता है, या सोसाइटी में भी किसी के पास टैबलेट तो मिल ही जाती पूछते तो. इसने सिरप पिया, यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट मतलब ये लगा. और सेकंड उसने बोला कि ज्यादा ज्यादा कंप्लेन बढ़ने से तो अच्छा है ना कि अभी मैं एक बार दिखा के ही आ जाती हूँ, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा मेरा, ये सोच के फिर वो मेरे पास आया. बराबर है. पेशेंट क्यों आया ना, कब आया ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्या करके आया है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है. चिडचिड होती है डिस्टर्ब केल्याने तुम्ही, समजा आता तुमचं दुखतंय तुम्ही शांतीने काम पण करताय, पण त्याच वेळी त्याच्यात तुम्ही काही मध्येच कोणी बोलणं दुसरे काहीतरी मागितलं ना, मग मला असं वाटतं की मी माझं काम करतो तुमचं बघू. शायद से अमृता को रेमेडी कन्फर्म करनी थी. बोल अमृता, क्या पूछा? हाँ मुझे कंफर्म ही करनी थी. मैंने उसको इसीलिए पूछा कि आपको ऐसे चिड़चिड़ होता है तो आपको उस टाइम पे किसी का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है क्या, शांति से काम करना है तो ऐसा लग रहा है क्या. तो उसने भी हाँ बोला, वो बोली तब तो उस टाइम पे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मुझे लगता है मैं मेरा काम करूँ कि तुम्हारा काम करूँ, मतलब उसको शांति से अपने स्पीड से उसका उसका काम करते रहना है, किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना उस टाइम. असं होतं बघा. चिडचिड होते ना त्याच्यामुळे. हाँ, कारण ते मग कसं आहे ना, मी त्या दिवशी स्पीड दिलं तुम्हाला होमिओपॅथी, नाही नाही दिलं ना त्या तुम्हाला, दिवशी मी म्हटलं म्हणाला की आईस पॅक गरज चे. लागली हाँ, करून आईस पॅक घे आणि मग 3 दिवसांनी सांग म्हणाला तुम्ही. आणि
काम कसे होतील याचं पण टेन्शन येते. ते त्याच्यामुळे माझं स्पीड कमी झालंय ना, हळू 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 अगदी गुगल गाईचा स्पीड झालाय माझा. उसने यहाँ पे बोला, मैंने पूछा फिर काम कैसे होगा, इस चीज का टेंशन आ रहा है क्या आपको? तो उसने बोला काम कैसे होगा वो तो है ही, मेरा स्पीड बहुत कम हो गया है काम का, धीरे 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 गूगल गाइड टॉर्टल जैसा मतलब इंसेक्ट होगा एनिमल, तो उसके जैसा मेरा एकदम धीरे 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 काम चल रहा है, काम चल रहा है पर स्पीड बहुत कम हो गई. आणि या उन्हामुळे ऑलरेडी हा ते अजूनच मला असं हाँ ये मैंने ना ये पीछे वाली घड़ी ना ब्लर नहीं करनी चाहिए थी हमको, तो मुझे अभी ध्यान आया, लेकिन मैंने तब देखा था उसने 11:18 में कुछ डाला है मेडिसिन. आणि ह्या मुलींना नेमकं उन्हाच्या वेळेत सोडा आणि आणा चाललो, त्याच्यात हाफ डे स्कूल झालंय ना उच्चाचं पण, तर ती नेमकी 1:15 तिची बस येते, हिचं समर कॅम्प 12 सुटत, तिला वरती घेऊन जायचं, तिला खाऊ घालायचं आणि हिला आणायला यायचं खायला. तो वो उसके काम के बारे में बता रही कि पहले ही धूप इतने ज्यादा है उससे परेशानी, फिर बीच में मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था उसके लिए तो मैंने पानी पी के थोड़ा सा मैनेज हो गया, प्रॉब्लम मेरा कम हो गया, उसकी वजह से ऑलरेडी मेरी चिड़चिड़ हो ही रही थी. और अब उसमें ये बेटियों को लाने जाना है, 1 को 12 बजे लाना और घर पे लेकर जाना, उसको खिलाना, फिर 1 बजे दूसरी को लाने जाना, ऐसा वो बता रही. इसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था तो इसने मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ पानी पी के उसने ठीक कर दिया. हाँ, पानी पी के ही बताया उसने, वो मुझे बाद में बताया ना आने के बाद के बीच में वो हुआ था. बराबर. तीव्र लागत ना एकदम ते, मग वरती गेल्यावर असं गळल्यासारखंच होतं मला, किती पाणी प्या, लिंबू पाणी घ्या. ते उन्हामुळे ते आता ह्याच्यामुळे असं नाही, ओव्हरऑल 15-20 दिवस झालं हे असंच शेड्यूल असल्यामुळे ते उन्हाचा त्रास तर होतोच होतो. मध्ये 2 दिवस मला उन्हाळे झाल्यासारखं झालं, अगदी म्हणजे बाथरूमला जावा न जावा अगदी चरचरल्यासारखं लगीच्या जागेला होत. पण ते थोडं पाणी जास्त पिलं, लिंबू पाणी पिल्यावर ते थोडं कमी आलं, पण मग ते त्याच्याने पण अशी चिडचिड होते ना ते सगळंच. आणि हे आता हे एकदम वाढलं, ये सब की वजह से चिड़चिड़ होती है और ये एकदम से बढ़ गया है ऐसे इसका मानना है. मुझे बेसिकली चिड़चिड़ वाढनी चाहिए. हाँ, रिलैक्स करते हैं. देखो उसने 1 मिनट के पहले ही बोल दिया, अभी मुझे रिलैक्स लग रहा है मेडिसिन. बोला मुझे उसके बाद भी वो थोड़ी देर क्लिनिक में ही बैठी थी और 1 मिनट में उसके कमर का भी दर्द बाद में कम हो गया और शाम को उसने बोला मैं 50-60% बेटर. म्हणजे असं इथं आय डोंट नो काय असेल त्याचा फरक. हा होतं जनरली एवढ्या सेकंदात पण आराम पडतो. म्हणजे मला इथे जे जाणवत होतं आता असं करताना सुद्धा तेही मला असं चेहऱ्यावर तुम्हाला फरक कळला असेल वाटतंय, म्हणजे थोडं तर आता उर्वशी करा म्हणून नाही ते घरी जाऊन करावंच लागत. हो बोल अमृता. मैंने उसको बोला फिर अभी तुझे इतने जल्दी नेक में दर्द में है तो कमर का भी चेक कर ले, इसलिए बोला उर्वशी कर ले. तो वो बोली नहीं नहीं वो तब मुझे घर पे करनी है, मतलब उसको काम तो करना ही है घर जाके. ऐसा देखो ये जो बात है ना थ्रू आउट कौन सी चीज चल रही है ना ये देखो पहले, और वो उसकी रिएक्शन कैसी है, अडाप्ट कैसे कर रही है ना ये भी देखो, उस पर रेमेडी आती. मेरे भी पहले रेमेडी फेल हुई थी, मैंने जो रेमेडी बोली थी वो भी गलत ही बोली थी, पहले रेमेडी मैंने राइट नहीं बोली थी अमृता को. अरे मला तसं तिला जाता जाता घेऊन जायचंय ना म्हणून मी म्हटलं जाते जाते उसको बेटी को लेके ही जाना, इतना पेन है फिर भी इसका काम चालू ही है. त्याच्या वेळेस खाली आले मतलब वो काम में काम करना देखा ना उसने, यहाँ पे भी बेटी को लेने जाना है तभी डॉक्टर के पास आई, मतलब दो काम नीचे गए तो दो काम एक साथ होना चाहिए. खुद के लिए नहीं आई बेटी के लिए लेने आई तो फिर मेडिसिन भी लेके जाना है उसको.
आणि मग मुलींची माझ्यावर चिडचिड होते, तू मला काही देत नाहीस, तू मला सांगितलेलं करत नाही. ऑब्विसली ते लहान आहे तर उच्चाला थोडं थोडं समजायला लागलंय आता. मग तिची कधी डिमांड असते, मग ते झालं नाही की मग ती पण चिडचिड करते, मग मी हेच करणार, मी तेच करणार, मी तुझं ऐकणारच नाही, असं मग तिचं चालू होतं परत. मग ते अजून जरा डिप्रेस झाल्यासारखं होतं. आयपीआर सुनता नहीं तो बिसरी मेडी के चिड़चिड़ होती है, टिपिकल होता है जब आईपीआर नहीं सुनता है. ओके फॉलो देखते हैं. हलक वाटतंय का? हलक वाटतंय ते. असं जे असं ओढल्यासारखं होत होत ना, आकुंचन प्रसरण पावलं ना, म्हणजे पिरियड्सच्या वेळी आपल्याला क्रॅम्प्स जे येतात तशा टाइप मला ते कमरेत व्हायचं की असं ओढल्यासारखं. ते थोडस रिलॅक्स वाटते मला ऍज कम्पेअर्ड टू मी येताना जसं वाटत होतं मला त्याच्यात. ते म्हणजे खरंच बंद झालं ते उगच, म्हणजे असं सांगायचं म्हणून नाही. बोला अमृता. उसने बोला कि जैसे पीरियड्स में क्रैम्प आते ना, उतने जैसे मेरे पैर में पीठ में क्रैम्प्स आ रहे थे कमर में, पर वो अभी बंद हुए जैसे लग रहा है. और मैं बोलना बोल के नहीं बोल रही, सच में मुझे फर्क लग रहा है. सच में हल्का लग रहा बंद हो गए बोली. पर ते मला फील होत है. चलो जब ये सब बोलो. पता नहीं लगता तो मैंने स्टॉप किया और रिकॉर्डिंग फिर से ऑन किया और बोला आप बोल क्या क्या बता रहे. तो उसने हाँ फिर से बोला ऐसे. बोलो अभी किसको क्या बोलना है ये पेशेंट के बारे में, फटाफट फास्ट करेंगे. मैम मैं बोलू? हाँ बोलो. मैम इस केस में जो उसकी डिसीज कंडीशन है उसके ऊपर मैंने रूब्रिक लेके बताती हूँ. जैसे इसने बोला फर्स्ट टाइम कि एक मिनट, केस को काम करने की इच्छा नहीं हो रही है पेन की वजह से, तो मैंने वर्क एवर्जन लिया था और उसमें क्रॉस रेफरेंस में लेजीनेस आया तो वो एक लिया था. दूसरा उसको शांत बैठे रहो, कोई डिस्टर्ब मत करो, ऐसा था उसका अडेप्टेशन. तो एक क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग एंड इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग और डिस्टर्ब एवर्स टू बी. तीसरा उसने बोला कि जैसे स्पीड एकदम कमी झाली आहे कामाची, एकदम गोगलगाई सारखी, मीन्स कुठेतरी लॅकिंग आहे तिची एनर्जी. तर एक डेल्युजन पुअर ही इज घेतलं होतं आणि कोल्ड अप्लिकेशन एमलोरेशन. तर याच्यामध्ये फर्स्ट रेमेडी नक्सवोमिका येते आहे आणि डीडी मध्ये मॅम ब्रायोनिया येते आहे माझ्या. ओके अमृता तुझे कुछ बोलना है ये जो रूब्रिक लिया अनुराधा ने उसके बारे में? नहीं अच्छे रूब्रिक्स दिए ओके. मैंने भी ऐसे लिए, नहीं मैम मुझे मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि सही है या नहीं. एक्चुअली मेरी फोन हाँ बैटरी बहुत लो है मैम, तो शायद मैं पूरा नहीं कंटिन्यू नहीं कर रूब्रिक पाऊंगी सही है, ये. नहीं रूब्रिक सही है. रुक, एक रूब्रिक जो लिया है ना अनुराधा ने अमृता, देखो उसने क्या लिया है, लेजीनेस लिया अमृता अनुराधा हाँ ने. बाकी लेजीनेस सब नहीं. रूब्रिक अच्छे, लेजीनेस कैसे लिया? अरे ये जो औरत है ये बैठ नहीं रही है, तो लेजीनेस कैसे लिया तुमने? नहीं, लेजीनेस मैम उसमें वर्क एवर्जन में वो क्रॉस रेफरेंस है, वर्क एवर्जन को लेके पर्टिकुलर वो रूब्रिक नहीं आया तो उसमें लेजीनेस आया तो वो लिया, क्योंकि डिसीज काम तो वो कर ही रही है, उसकी तो इनकैपेसिटी भी फिर नहीं है, इसलिए मैंने वो बिजनेस इनकैपेसिटी नहीं लिया. वो कैपेबल है, कर भी रही है, सिर्फ उसकी जो काम करने की वो इच्छा नहीं हो रही है वो पेन की वजह से. तो वर्क नहीं एवर्स टू बेटा बी में ये आया नहीं, तो उसमें लेजीनेस आया आ रहा है मेरे रिपर्टरी में, इसके लिए लिया. अरे उल्टा सोच रही, यही तो बोल रही मैं तुझे अनुराधा. लेजीनेस लेडी है क्या ये? इसमें कहीं पे भी लेजीनेस लगा क्या? एक्चुअली उसको लेजी होना चाहिए था ये कंडीशन में, तो ये तूने उल्टा सोचा है. मीन्स मैकेनिकल रूब्रिक लगाएंगे ना तो फिर ऐसे होता है. तूने मैकेनिकल लिया ना, पेशेंट को पहले फील करो फिर रूब्रिक को फील करो फिर रूब्रिक लगाओ. समझा अनुराधा? हाँ मैम, लेजी तो वो है ही नहीं, उसमें पेन में भी काम तो हाँ उसके चले रहे हैं. छोड़ दो ना फिर, लेना ही ऐसे कंपल्शन थोड़ी है. वो रूब्रिक में क्रॉस रेफरेंस है तो लेना ही ऐसे नहीं है, रूब्रिक ही मत लो ना फिर, क्योंकि है ही नहीं ना वो पेशेंट में लेजीनेस.
नहीं ले सकते हम लोग। तो उसका डिसीज डिसीज कंडीशन को लेके लिया मैम। वैसे तो वो मीन्स अगर मेडिसिन सही भी है इन केस तो नक्सोमे का भी वो डिसीज कंडीशन में ऐसे हो जाता है ना, वैसे तो वर्कहोलिक ही रहता है और ये पेशेंट भी वैसी है, इसलिए लेकिन थोड़ा ये सा अभी वो एक डिसीज थॉट में आया कैसे, माइंड में। नहीं ये डिसीज में कैसे, ये लेजी हो गई क्या डिसीज में? हुई नहीं है। फिर भी वर्क कर रही है ना, चिल्ड्रन को लाने को हाँ जा रही हाँ है। हाँ ये PQRS है ना, इतना पेन में भी ये औरत दौड़ रही है, क्या जरूरत है बाबा दौड़ने की? अमृता ने ये भी पूछा कि ठीक है एक भाई लगा ना वो कुकिंग के लिए, जाने दे थोड़े पैसे, फिर भी इसने भाई भी नहीं लगाई, खुद ही कर रही है। यस बिजनेस बिजनेस है ना मैम रेमेडी। बिजनेस है ये, खुद ही कर रही है। तो ये समझा अनुराधा, समझा अनुराधा, लेजीनेस नहीं लेना है, बाकी के सब रूबिक अच्छे लिए तुमने। चलो ओके और ओके मैम, चलो और थैंक यू बोलो और। हाँ बोलिए सर। मैडम। हाँ ये डिस्टर्ब आवर्जन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग क्वाइट 1-2 वीक, ये तो है मैडम। ये जो बता रहे 15 दिन से इसका दुख रहा है, फिर भी ये पेशेंट नहीं आया। जब उसको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए था तब उसने एक टैबलेट लिया और फिर काम चला लिया। जैसा आप बता रहे सिरप ले लिया उसने, वो सिर्फ उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कि भाई कुछ तो ले लिया बोलकर। तो इसके पर टाइम लगा था मुझे यहाँ पर, उसने एक पेन किलर गोली खाकर वो जो क्लिनिक में आई थी मैडम के पास। तो और दूसरा टॉकिंग बिजनेस भी लग रहा था उसका, जो बता रही थी उसके सब बिजनेस के बारे में, वगैरह जो कर रही है ये काम कर रही है वो काम कर रही है, और डिसीजन पुअर लग रहा था मुझे, इसलिए मुझे बराबर नहीं लग रहा था वो। हेलो यस सर, यस सर, अमृता बोल। बढ़िया सर, सिर्फ मुझे एस्केप नहीं समझा अभी, वो मैं भी एस्केप उसने सिरप लेके किया, क्या वो मैडम एक्सप्लेन करेगी? बाकी हाँ बराबर। हाँ जैसा वो बता रहे थे ना मैडम, 15 दिन से तो तकलीफ है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया और जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी इस बारे नहीं में। आई हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी मेरे थी इसमें कि इसके पार्ट में मतलब ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को सिर्फ काम निकालने जैसा भी 2-3 दिन तक कुछ काम करना है, तो एक आधी गोली खाकर उसका काम निकल रहा है, तो उतना लेकर ही वो काम थका रहा है, तो उसको मैं इसके पार्ट में समझ रहा था। अगर नहीं है ये इसके पार्ट में तो मुझे थोड़ा क्लियर कर दो, मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा इसका। हाँ, एस्केप अटेम्प्ट अगर लेने है ना सर, हम लोग ले सकते हैं, लेकिन है ना देखो रूब्रिक क्या है, एस्केप अटेम्प्ट से सिंगल नहीं है। तो इसने क्या किया, सिर्फ एक बार ही लिया, और दूसरा कुछ किया क्या उसके साथ एस्केप करने के लिए, दूसरा अटेम्प्ट कुछ किया क्या? क्योंकि ये एक अटेम्प्ट नहीं है सर, बहुत सारे अटेम्प्ट है इसमें। और ओके, सेकंड वो रात के इसके टाइम पार्ट में कब लेना चाहिए उसके था मैडम? पास कोई ऑप्शन नहीं था एस्केप, बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट्स एस्केप लेने नहीं चाहिए कर ना, सकते, एक बहुत से सारे ज्यादा मतलब कैसे अटेम्प्ट। लेगी? अभी देखो, अभी उसने पेन किलर भी खाया, मसाज भी किया, और दूसरे लोगों के पास जाके आई, तो फिर अटेम्प्ट्स, एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स आएंगे ना। वो अच्छा एक्चुअली अच्छा ये रेमेडी उसमें है, एस्केप अटेम्प्ट में है, लेकिन हम लोग सोच क्यों गलत, गलती गलत रूप क्यों लेने का? सही है सही। एस्केप अटेम्प्ट अगर रूब्रिक लेंगे तो उसमें बहुत सारी जनता है, उसमें बहुत सारे हाँ रेमेडीज है, लेकिन समझो मीन्स अगर हम लोग गलत समझेंगे तो ये गलत जो समझा है हमने वो दूसरे पेशेंट में हम लोग अप्लाई करेंगे, और वो उसमें सही है। नहीं होगा तो फिर फेल हो जाएंगे हम लोग। तो हाँ अटेम्प्ट जो है ना, देखो एस्केप अटेम्प्ट उसका स्क्रीनशॉट डालो। एक मिनट मैम, चलो मैंने ले लिया। ये देखो अटेम्प्ट से बहुत है मैडम मल्टीपल है मेरे। ना वो। हाँ इसके अटेम्प्ट्स 2 है, मेडिसिन भी बहुत है उसमें। हाँ होने दो, ज्यादा मेडिसिन हुए तो भी कोई बात नहीं, हाँ लेकिन इसके अटेम्प्ट ये विंडो इसने फ्रॉम एक ही मैडम, दिया, उसमें कैसा है आगे? चलो अटेम्प्ट से क्या अटेम्प्ट 2 है बहुत मैडम। सारे है ना? हाँ बहुत सारे है ना उसमें फिर से। हाँ तो ये बेसिक मैडम इसके मदर रूब्रिक है ना अटेम्प्ट, वो, ये हाँ ये हाँ वो रूब्रिक विंडो मदर फ्रॉम, रूब्रिक की, हाँ वही तो बोल रही ना, मदर रूब्रिक की जब हम लोग राइट लेंगे तो फिर सब रूब्रिक्स बराबर से आएगा। लेने के लिए ले सकते हैं हम लोग, ये बोल रही मैं, लेने के लिए ले सकते, लेकिन कोर समझो पेशेंट का। इसमें भी वैसे अटेम्प्ट है ना सर बहुत सारे,
अगर रेट्रो में लेना है तो ले लो, लेकिन अगर हम लोग अप्लाई करने के लिए करेंगे तो फिर हम लोग फेल हो जाएंगे। आपने ओके बाकी थ्योरीज बट बहुत ही बढ़िया लिए, पेशेंट को हाँ बहुत अच्छे से समझा। सिर्फ एक अच्छा रूब्रिक मैडम, सिर्फ थोड़ा सा वो विंडो फ्रॉम अगर ले सकते थे क्या इस केस में? फिर नहीं ले जैसा आप बता सकते, रहे हैं अटेंडेंस तो बहुत लग रहा है, लेकिन नहीं विंडो ले फ्रॉम में सकते फिर ना, कम नहीं ले मेडिसिन सकते। कम मेडिसिन की बात नहीं है सर, आपको ये समझ में नहीं। अटेम्प्ट एक वर्ड है, और सर। अटेम्प्ट्स एक्चुअली देखो, अगर इसको एकवचनी ये एक कही बहुवचनी है सर। जाती, मैडम इसको बोलती सर, अगर बोल ये मेरे अमृता। अलावा किसी और एलोपैथ के पास जाती और उन्होंने उसको एक्सरे वगैरह कुछ करने को बोला होता, आगे का कुछ करने को, ट्रैक्शन वगैरह भी बोलते हैं ना ऐसे केसेस, और वो ना करने के जगह पे वो सीधा मेरे पास आती फिर से, तो वो अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम होता, अभी नहीं लग सकता, वो डायरेक्टली मेरे पास ही आएगा। उसको किसी ने कुछ बोला भी नहीं था, ना ही उसने मुझे पूछा भी कि इसके लिए कुछ करना है क्या या आगे क्या करें इसके लिए, ऐसा भी नहीं पूछा ना। तो उसने एस्केप पर ट्राई, मतलब एस्केप पर सवाल ही नहीं आया ना यहाँ पे, कहीं कहीं से उसको एस्केप पर कुछ लगा ही नहीं कि मैं मारू बोल के, और ये मेरी रूटीन पेशेंट है इसलिए उसको लगा कि मैडम के पास ही जाते, कैजुअल अप्रोच चाहिए। मतलब उसने ट्राई नहीं किया, उसको डर नहीं था। अगर डर रहता कि एलोपैथ के पास जाके और कुछ इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे और फिर वो मेरे पास आती, तो वो एस्केप कर रही है ये समझता सिचुएशन को, वैसा नहीं है ना। ओके ओके थैंक यू। बराबर ना अश्विनी मैडम मेरा? यस यस, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है। और अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट्स सर ये ध्यान में रखो, कभी भी रूब्रिक्स रूब्रिक्स में एक वर्ड वर्ड नहीं, एक एक शब्द जो रहता है ना उसका भी अगर लेंगे ना हम लोग, ए लिखा है ना अटेम्प्ट से, यस लिखा है उसमें, एक वचनी नहीं हाँ बहुवचनी सर। मला हे सांगायचं तुम्हाला की एक वचन आणि बहुवचन याच्यात खूप फरक आहे, एकच अटेम्प्ट करणे आणि अनेक अटेम्प्ट करणे यात फरक आहे। हे जे रुब्रिक आहे ना, अनेक जेव्हा अटेम्प्ट करेन पेशंट दोन एक पेशा जास्त, तेव्हाच हे रुब्रिक आपण अप्लाय करू शकतो। आणि जसं अमृताने सांगितलंय आता की तो एस्केप करने के लिए वो कोई कहीं उसको जाके आया है वहां से, फिर एस्केप करना है उसे, एक्सरे नहीं करना है, एक्सक्रिप्ट मारना है, तो फिर वो हमारे पास आएगी। ये पेशेंट ने ऐसा नहीं किया। क्लियर सर? क्लियर क्लियर सर थैंक उसको सिर्फ यू। रिलीफ चाहिए था इसलिए उसने लिया था वो मेडिसिन, हाँ हाँ कि सही नींद बात आना चाहिए, रिलीफ चाहिए था। बस। हाँ या रात को अभी क्या था घर पे, उसने खुद ने एक्सप्लेन भी किया ना, रात को मेरे पास सिर्फ सिरप ही था, मैंने एक चम्मच पी लिया, मतलब जस्ट कुछ तो लिया, नहीं किस नहीं से तो बेटर है हाँ कुछ तो लिया। हाँ सही। थैंक यू मैम। वेलकम। चलो नेक्स्ट बोलो हेलो फटाफट। हाँ बोल अश्विनी, हेलो। बोल अश्विनी। हाँ मुझे ना थ्रू एंड थ्रू, पहले तो मैं भी चाइना पे थी, पर अभी मुझे लग रहा है चाइना गलत है यहाँ पे, क्योंकि अभी थ्रू एंड थ्रू उसका ऐसा लग रहा है कि उसकी उसका नेचर ही है कि उसको पैसा बचाना है सब जगह। तो यानी बाई नहीं लगाने के पीछे भी उसने रीजन दिया, तो वापस एक वो ही चीज आया कि उसको पैसा बचाना है। फिर बाद में मेडिसिन जो भी घर पे था वो ले लिया, नीचे से जाके उतना भी नहीं किया कि मेडिकल से जाके गोली ले ली और फिर आई। पहले के यूटीआई के कंप्लेंट्स में भी उसने यानी घर पे ही अपना सॉल्व कर लिया, किसी को दिखाया नहीं है। यहाँ पे भी वो मैम के पास पहले नहीं आई है, बाद में जब भी सब करके इसका हो गया उसके बाद में आई है। तो ये ऐसे मुझे एक ब्रायोनिया ही लग रही है कि सब सिचुएशंस में पैसे खुद के बहुत बचा रही है। और ऐसे यानी क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग जैसा या चूजेस लेसर इवल, कि यानी जहाँ पे मेरे पैसे कम जा रहे हैं ना, ऐसा कुछ मैं ट्राई करूँ। एलोपैथ के पास जाएगी तो नेचुरली एलोपैथ उसको सब बोलेगा करने के लिए, ये कर वो कर, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह। तो यहाँ पे उसको मैम के पास आई है तो उसको मालूम है मैम के रिजल्ट है, बच्चे का भी रिजल्ट है, तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो इस हिसाब से सब जगह यानी पैसा मेन उसका इंटेंशन लग रहा है, तो मुझे बयानिया लग रहा है। बराबर अश्विनी मैडम आप बोलो। बराबर है, राइट है, क्योंकि अश्विनी तूने जैसे लिया था ना वैसे भी मैंने हिंडर, मुझे भी पहले हिंडर लगा, और हिंडर लेके मुझे रूठा लगा था ये ले ली, क्योंकि काम काम भी कर रही मिस घर के, ऐसा घर का ही सब चल रहा है इसका, और उसका जो स्टाइल था मुझे वो कम्युनिकेटिव लगी थी, इसलिए मैंने रूठा बोला था। लेकिन अमृता बोली ये रूठा नहीं, मैंने बोला अगर रूठा नहीं ये तो फिर क्या है
बोले चलो अभी बोल तू क्या है। उसने तो बताया मुझे रेमेडी, मैंने बोला आपको प्रेजेंट करते हैं बहुत बारीकी से, और रिजल्ट जो आया ना विद इन मिनट्स, तो ये बहुत बढ़िया था इसमें। मुझे चाइना क्यों लगा, क्योंकि वो हिंडर्ड, और फिर मैंने सोचा कि ये सब बाहर वालों को क्यों कोस रही है ना इतना, सब बाहर सिचुएशंस को, यानी इसका ये उसका ये धूप है, फिर बाई नहीं है या वॉट एवर, यानी मीन्स खुद के ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है, तो इसके लिए मुझे वो चाइना लगा था। वो उस दिन का दिन यस खराब, वो लेकिन जो एक्सप्लेन कर रही है हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। बराबर, ये फील तो बहुत परफेक्ट पकड़ा है। लेकिन इस रेमेडी में ना ये भी होता है, इसके साथ जो भी होता है ना उसका ब्लेम ये रेमेडी दूसरे पे डालती है, ये की नोट्स में दिया है, तो फील पक्का बरोबर है अश्विन तेरा, परफेक्ट। चलो और किसी को बोलना है नहीं ओके तो फिर अमृता बोलेगी, बोलना है किसी को? ओके चलो बोल अमृता, तेरा अंडरस्टैंडिंग वो पीपीटी शेयर करनी है तेरी कि पहले बोलना है? डीडी कर लेते बाद में पीपीटी। देखो मैंने भी ना इसमें दो ही रूब्रिक पहले मेन दिए थे, एंजाइटी बिजनेस डिस्टर्ब डाइवर्जन टू और क्वाइट वांट्स टू बी, ऐसा मैंने सोचा था। तो उसमें चलो चार मेडिसिन आ रहे, ब्रायनिया जलसेमियम नक्सुमिका और सल्फर। तो ब्रायनिया जलसेमियम क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें डलनेस डिजीनेस कुछ नहीं लगा, वो काम ही कर रही थी। और जलसेमियम में मेन डर रहता है, इसके चेहरे पे कहीं पे भी फियर नहीं दिख रहा था कि इसका आगे क्या होगा, या एंटिसिपेट भी नहीं कर रही थी, कुछ भी बोली भी नहीं कि मैडम ये दर्द कम तो हो जाएगा ना, या आगे कुछ बढ़ेगा तो नहीं, मतलब इसने एंटीसिपेटरी एंजाइटी कुछ भी नहीं लगी, इसलिए मैंने जलसेमियम का नहीं दिया। एक्चुअली चार ही ड्रग मैंने मैडम को भी बोला, सेवरनेट पहले आए उसमें से फिल्टर करके चार आए, तो फिर मैंने उसमें डीडी करके ब्रायनिया पिला दिया ऐसा। हाँ तो फिर तुम कौन से नक्सोमिका तीन है रूब्रिक लिए थे अमृता? एक मिनट, हम एशिया स्क्रीन पे हैं, एंजाइटी में। एंजाइटी और क्वाइट वांट्स टू बी ना, और तीसरा क्या लिया था? डिस्टर्ब डायवर्जन टू बी, हाँ तो ये ऐसे रूब्रिक्स पहले अमृता ने लिए, और इसमें से ये जो रेमेडीज आई है वो डीडी की, मीन्स ऐसे हाँ हम लोगों को पेशेंट को समझना है, रूब्रिक लगाना है, और जो रेमेडी जाती है उसमें से डीडी करनी, कौन सी रेमेडी कैसे काम करेगी, कौन सी रेमेडी कैसे काम करेगी। जैसे अभी अमृता ने जेल से नियम का बोला है, ओके बोला अमृता, सॉरी हाँ बोल। नक्स ओमिका और सल्फर तो दोनों भी वेल्थ में है, और पर नक्स ओमिका बोल मतलब सो जाता है ना, जनरली काम नहीं करता, या कुछ तो हायर करता है या बाहर से ऑर्डर करता, नींद ले लेती अच्छे से। वो बोली नहीं कि मैं सोई हूँ, या मुझे सो मतलब मैं कंटिन्यू सोई हूँ, बच्चे का भी कुछ बोली नहीं कि मैं सोई हूँ सोई हूँ। तो नक्स ओमिका जनरली रेस्ट करता है और फिर से काम के लिए तैयार होने के लिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए नक्स ओमिका नहीं। और सल्फर भी नहीं लगा क्योंकि इसकी वेल्थ उसने कोई बताई नहीं, या उसके फ्रेंड्स की भी हेल्प नहीं ली। जनरली सल्फर के पास बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो उसको हेल्प करते हैं आजू बाजू के, अगर समझो हमारे जैसे कोई, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती, बट मेरे यहाँ पे भी अगर मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो सल्फर भी ऐसा रहता तो कोई ना कोई तो उसको हेल्प करता ना डिविजन में देख के। तो ऐसा उसने बराबर, कुछ नहीं बोला कि मैं मेरी फ्रेंड की मदद ली हूँ या कुछ मेरे काम नहीं, वो खुद कर रही खुद के स्पीड से। और चाइना यहाँ पे नहीं आया, बट चाइना भी मेरे दिमाग में था, बट चाइना क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो हिंडर्ड नहीं हुई, उसका काम रुका नहीं है कहीं पे, कंटिन्यू स्पीड से चल रहा था, स्लो चल रहा था बट वो हिंडर्ड नहीं हुई थी ना, या ऐसे नहीं बोली कि मेरे मुझे रुकना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है फिर से काम करना पड़ रहा। वो क्या बोली कि मैं गूगल का जैसा, मतलब टॉर्टल के जैसा धीरे 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 मेरा काम प्रोसीड चल रहा है, तो इसलिए मैंने फिर चाइना का नहीं सोचा था एक्चुअली। और ये बोलने में भी वैसे चाइना जैसी नहीं लग रही थी। जेलसीमी में तो बोला है तूने, एंटीसिपेशन नहीं, फियर नहीं है, ओके ब्रायोनिया, बचा सिर्फ ब्रायनिया। इसीलिए फिर मैंने उसको ब्रायोनिया दे के देखा क्लिनिक में, और मैंने उसको ऐसे ही बोला कि भाई तू, फिर उसने तुरंत ही मतलब वो जो उसका आंसर था वो भी एकदम फ्लुएंटली स्पॉन्टेनियसली उसने बोला कि मुझे हल्का लग रहा है, फिर मैंने आगे फिर से वीडियो ऑन किया ऐसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमृता, मैंने तो सोचा ये ही नहीं। ब्रायोनिया ही है, और इसमें इला मैडम और इलियास खान सर, इन दोनों ने तुरंत पहले इसमें ही बोल दिया था कि ब्रायोनिया। हाँ कांग्रेस टू दोस्त। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हम लोगों को अगर देखना है मीन्स
रेट्रो में तो ये थ्रू आउट प्रायोरी है समझिए। अभी जैसे मैं हमने वीडियो चलाई तो बहुत लोगों को लगा कि नहीं अरे ये तो पैसे की बात है। तो ये जब हम लोग पेशेंट को समझते हैं ना तो फिर हमें समझ में आता है एक्चुअली। चलो बोला अमृता, स्क्रीन दिख रही है? एक्चुअली इसका जो हमको हिंडर्ड लग रहा था वो शायद डिल्यूजन इंजरी बिंग इंजर्ड होगा वो। यस हाँ, बराबर। वो हो, और उसकी हिस्ट्री भी थी ना कि उसको लगी है ऐसा। और उसका हाँ, फेक भी बट था वो मैंने वो ना। नहीं लिया क्योंकि उसने बाद में इंजुरी के बारे में कम ही बताया, और वो काम काम का ही ज्यादा बोल रही थी। और रेस्ट मैंने उसको ये भी पूछा था ना क्या करने का मन कर रहा है ऐसा, तो वो जो बोल रही थी ना मैंने उस पर ही एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट किया था। बराबर। पीपीपी। ओके स्क्रीन दिख रही है? दिख रही मैडम, यही है हाँ जो अभी बोला अपन ने बोला। बोला ना कि मेन कंसर्न ऑफ दिस पेशेंट वाज वर्क, और वो बार बार उसके काम के बारे में ही शी फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट हर बिजनेस एंड शी वाज गेटिंग इरिटेटेड बाय हर डॉटर एंड शी वांट पीस। ये उसका ऑल ओवर एनालिसिस था। और पेशेंट ने प्रिस्क्राइबिंग रूबिक मैंने लिए थे, एंजाइटी बिजनेस जो अभी बताया, डिस्टर्ब डाइवर्जन और क्वाइट वांट्स टू। और जब मैंने उसका रेट्रो में देखा तो मुझे बाद में जब रिजल्ट आया बाद में देखा कि वो एवरेज में है, बार्गेनिंग भी है, डेलिरम बिजनेस टॉक था, डिल्यूजन वर्क हार्ड इज वर्किंग भी था, और डिल्यूजन वर्क अकम्प्लिश हर वर्क शी कैन नॉट, जो उसका बोलना था ना कि मेरे काम ही नहीं हो पा रहे, जो वर्क अकम्प्लिश हर वर्क शी कैन नॉट, ये मुझे उसमें रेट्रो में लगा था कि लगा सकते थे ऐसा। बराबर है। बहुत बढ़िया है, मस्त स्लाइड बनाया है। दक्ष को थैंक्स बोला। ब्रायन या चाय मटेरियलिस्टिक चल रहे हैं। बोल अमृता। ऊपर वर्क से ही शुरू करते हैं ना, ऊपर की स्लाइड ओके से। हाँ को बड़ा नहीं कर सकते मैडम स्लाइड को, मतलब तो वो तुमने वर्क वर्क वो जो कर रहा है ना वो दिखेगा शायद। हाँ इतना हाँ मतलब मुझे नहीं पता इतना ही आया है क्या, तो वो हाँ उसमें इतना ही शायद। आया। अच्छा हाँ, मेन मेन जो कोर है ब्रायनी का वो काम काम काम, ये मेन उनका रहता है। बिजनेस रिलेटेड एंजाइटी रहती है क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं मनी मैटर्स के लिए, पोजेशंस के लिए उनके, इसलिए वो कंटिन्यू काम के बारे में ही सोचते रहते हैं ब्रायनी या पेशेंट। यस फिर नीचे उनका एंजाइटी मनी मैटर का स्लाइड बनाया है। बहुत एवराइज होते हैं मैडम ना। एक्चुअली ये एंजाइटी मनी मैटर है ना वो ओपन होता है, GIF है वो वीडियो, एक्चुअली वो दिखता है पैसे को कैसे गिन रहा है उसमें। नहीं लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तूने जो भेजा ना मुझे वो अरे फॉर्मेट यार चेंज हुआ है। तो दक्ष ने तुझे जो भेजा वो भेजना मुझे फिर। दक्ष ने ही आपको भेजा है डायरेक्टली, मेरे पास से नहीं, मैंने उसको बोला तू मैडम हाँ को भेज लो, तो उसने उसने ही किया उसने ऐसे डायरेक्ट, यही मेरे फॉर्मेट पास में भेजा। उल्टा कोई नहीं। बात अच्छा नहीं चलो ठीक लेकिन है ये चलेगा, समझाए। उसमें उसमें कुछ नहीं, वो नोटों की गड्डी काउंट कर रहा है और पैसे के लिए, मतलब उसके फेस पे एक्सप्रेशन है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, वो सूंघता है वो पैसे को ऐसा है GIF। हाँ है ना सुंग रहा है ये। ओके नीचे जो है वो एवरेज पे। एवरेज है, तो अभी इसको जूम हाँ करो एवरेज को। हाँ एवरेज कैसा है देखो, उसके बाजू में चावल के दाने गिर रहे हैं बोरी में से, और सामने कोई बंदा थाली लेके आया है उसको वो नहीं दे रहा है, आंखें बंद करके बैठ रहा है। तो यहाँ पे ब्रायोनियर का ड्राइनेस ऑफ इमोशंस ये भी दिख रहा है कि उसको उस पर भी दया नहीं है कि मुट्ठी भर डाले, जबकि उसके हाथ में इतना है, देना रहता है तो वो दे सकता था, पर यहाँ पे उसके इमोशंस के ड्राइनेस भी दिख रहा है और एवरेज नेचर भी दिख रहा है कि वो मुट्ठी भर भी किसी को देना नहीं चाहता है। वेरी गुड। तो क्या होता है ना, और एक ब्रायन का मैं ऐड करूंगी कि आई ब्रायन वे का ऐसे लगता है कि बिजनेस कैसे होता है ना इसका, कि इसको ऐसे लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा लेकिन मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। ये कोर होता है ब्रायन का, इसके लिए वो काम करता रहता है क्योंकि
क्योंकि उसे लगता है अगर मैं काम नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो मैं और पुअर हो जाऊंगा। फियर पॉवर्टी में है ना वो, तो उसे लगता है कि फिर मैं और मीन्स पुअर हो जाऊंगा, इसलिए वो काम करते रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ये थीम गायन है कि याद रखो, इसलिए ये औरत काम कर रही है, कंटिन्यूस काम कर रही है, क्योंकि ये अगर बैठेगी तो फिर उसे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये लेडी है ना पहले, हाँ ये लेडी पहले वर्किंग थी, उसने बच्चों की वजह से जॉब छोड़ा और अभी घर पे बैठी है, तो उसको ये भी लग रहा होगा ना कि ऑलरेडी मेरा जो इनकम आ रहा था वो भी बंद हो गया। हाँ। और अभी मैं और ऐसा ऐसा मुझे लगा बाद में, ये मतलब रेट्रो में मैंने सोचा। बराबर है, ऑलरेडी इनकम कम हुआ है और मैं दूसरी बाई लगाऊंगी, मेड लगाऊंगी, तो फिर खर्चा होगा। ये ब्रायन को नहीं पसंद होता है। हाँ। मिस ब्रायन है, इसकी वजह से पैसे खर्च नहीं करेगा, दान धर्म नहीं करेगा। समझा ब्रायन का बिजनेस? ओके चलो अमृता आगे। इसमें भी उसका एंजाइटी बिजनेस ही है, वो सब बाजू से सब इससे घड़ी, टाइम, पैसा, सोशल, ये सब वो हर जगह वो बिजनेस बिजनेस ही उसके दिमाग में, इसलिए वो भी बनाया इसलिए कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका जो था ना कि कम होगा टाइम, तो इसलिए घड़ी का भी फोटो दिखा, पैसे का भी दिखा, तो वो हर एंगल से उसको बिजनेस के बारे में वो सोचते रहता है। ये मैंने कल एक्चुअली जब वीसी चाहिए बोला तो मैंने देखा कि ब्रायनिया चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि ब्रायनिया चिल्ड्रन में भी हमें मेटेरियलिस्टिक दिखता है, और हर इसमें दिखा है, फारूक मास्टर ने तो बहुत इसमें दिखाया है कि ब्रायनिया चिल्ड्रंस टॉयज शेयर नहीं करते हैं, और अगर टॉयज शेयर करना है तो उनको बिजनेस करना पड़ता है, एक टॉय तू मेरा ले और तू मुझे तेरा दे, इस टाइप का वो बिजनेस खेलते हैं बच्चों के, बच्चों में भी ये दिखता है बिजनेस ऑफ ब्रायनिया, और मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा रहते हैं, टॉयज नहीं शेयर करते, ये दिखाया है फारूक मास्टर ने बहुत अच्छे से दिखाया। गुड। कैप्रिशियस चिल्ड्रंस में भी ब्रायनिया है, और थ्री मार्क है, केंट सर ने भी दिया हुआ है कैप्रिशियस, और फारूक मास्टर में भी दिया हुआ है कि कैप्रिशियसनेस रहता है, उनको खुद को समझ में नहीं आता है उनको क्या चाहिए, तो इसमें भी जीआईएफ में ऐसा ही था, वो लड़का कुछ तो एक्टिविटी, अभी जीआईएफ दिख नहीं रहा है, उसमें भी वो कर रहा है और सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कर रहा है और सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे को क्या चाहिए वही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा जीआईएफ था। जब बीमार पड़ते हैं ना ब्रायन यार बच्चे, तब उनको मम्मी ने गोद में लो ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है, कोई तो उनको कैरी करे ये एक्सपेक्टेशन रहता है, जब वो अच्छे रहते हैं हेल्थी स्टेट में रहते हैं तब उनको कैरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जब वो बीमार पड़ते हैं तब पर्टिकुलरली उनको कैरी करना ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये फारूक मास्टर सर ने भी दिया है थ्री लाइन्स में कि उनको कैरी करना, बीमार नहीं रहते जब बिल्कुल पसंद नहीं तब उनको एवर्जन टू टच रहे, बट जब वो बीमार पड़ते हैं तब उनको गोद में लो ऐसा पसंद। ये नीचे फारूक मास्टर सर के मैंने की नोट्स बेसिक बेसिक कॉपी किए इधर, बाद में पढ़ सकते हैं आप लोग, ये मैडम शेयर कर देंगे। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रंस में भी ब्रायनिया है, उसमें भी उन्होंने दिया है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर रहते हैं ब्रायनिया बच्चे, जैसे वो उनके पढ़ाई के मामले में एकदम प्रॉपर रहेंगे ऐसा, तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी ब्रायनिया है हमें मतलब जैसे लगता है ना इसलिए। रडार की नोट्स अगर देखेंगे हम लोग तो उसमें फर्स्ट लाइन में ही दिया है एवर्जन बीइंग डिस्टर्ब। ये जो पेशेंट होते हैं ना ब्रायन की, जब भी एक्यूट स्टेट में आते हैं ना तो वो इरिटेबल होते हैं, मीन्स उनको ही ना कुछ क्वेश्चन पूछे या फिर कुछ उनके कान में कुछ रुकावट आए तो इनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए बहुत बार हमें चाइना रूटा हिंडर्ड का फील आएगा, लेकिन ये इसके वजह से डिस्टर्ब नहीं होते। अगर इसने काम नहीं किया तो उसका लॉस हो जाएगा, इसके वजह से ये काम कर रहे, ऊपर से ये लोग आके मुझे बार बार बोल रहे, मुझे ऊपर से इतना इंजुरी दे रहे, तो ये उनको पसंद नहीं, इसलिए वो ज्यादा इरिटेबल होते हैं, इसलिए उसको डिस्टर्ब एवर्जन में जाते हैं। समझा ब्रायनिया?
यस मैम, बहुत अच्छा था केस। मेथोडिकल एंड ऑर्डरली चिल्ड्रन ऐसा लिखा हुआ है फारूक मास्टर सर ने। हमें लगता है ना कि नेट्रम मूवी एकदम परफेक्ट है या आर्सेनिक टॉय शेयर नहीं करता है, पर ब्रायन यहाँ भी ऐसे रहता है, ये मुझे कल पता चला जब मैंने पढ़ा। यस और एक मैंने ये इसकी नोट्स तुझे शेयर किए थे शायद। हाँ ये विथालकर सर का है। देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक इज एग्रेशन फ्रॉम मोशन, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी विद डिजायर टू बी लेफ्ट अलोन। ब्रायन या कोई ना जब एक्यूट स्टेट में रहते हैं ना तो उनको अकेला रहना पसंद होता है क्योंकि वो बहुत इरिटेबल होते हैं। ये सब कौन से भी मिट्र अमेरिका में जाएंगे ना हम लोग तो ये दिखेगा ही। तो फिर ये कोर होता है वो रेमेडी का, तो वो छोड़ने का नहीं करी। इस पेशेंट में वो है और हमने वो छोड़ा था, लेकिन अमृता ने बराबर से पकड़ा है और इला सर ने भी पकड़ा और किसी ने पकड़ा था। ये जो इरिटेबल हो रही ना, हाँ तो ये क्यों ऐसे कर रही ना, क्योंकि हम घूम फिर के वहीं पे आएंगे कि इसके पैसे ना जाए। इसने गोली भी नहीं लाई, इसने गोली भी नहीं खाई। सोचो कितने एवरेज है, एवरेज भी क्यों होंगे, क्योंकि अगर हेलो मैंने पैसा खर्च किया तो फिर मैं हेलो पॉवर्टी में जाऊंगी। हाँ मैम, तुमसे वॉइस खूब लो है तो है। अभी मैडम बरोबर बाकी लोगों को माना नीट है तो है। ओके, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला कि कौन से भी मटर अमेरिका में जाऊंगे तो जब एक्यूट स्टेट में ब्रायन रहता है तो वो बहुत इरिटेबल होता है, उसको डिस्टर्ब एवर्जन में रहता है। तो बहुत बार ब्रायोनिया नक्स ओमेगा के जैसे ही लगेगा हमें, लेकिन ब्रायोनिया नक्स से कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि नक्स काम मीन्स थोड़ा सा रेस्ट करेगा फिर काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा फिर काम करेगा। ब्रायोनिया ऐसे नहीं करेगा, ब्रायोनिया काम करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। और ब्रायन की जो कंप्लेंट है वो स्लोली आती है, अचानक से कभी नहीं आती, ये भी ध्यान में रखो। ये कैंसर ने बोला है, उसे कंप्लेंट स्लोली आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मेरे कंप्लेंट फटाक से आएंगे तो फिर आईपीआर क्या करेगा। सोचो अगर वो चक्कर खाके से फंस गया खर्चा तो करेगा, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उसका पैसा बर्बाद डॉक्टर के पास करेगा। ले जाएगा और खर्चा करेगा, पैसे और पैसे खर्चा वेस्ट होंगे करेगा उसके। और पैसे वेस्ट हो गए, ऊपर से लॉस होगा, वो ऊपर से उसका काम बंद होने के बाद लॉस होगा वो अलग से। ब्रायन यहाँ रेस्ट तो करेगा, वो दुकान में ही करेगा, 10 मिनट के लिए हाँ नैप निकालेगा, फिर काम करेगा, और नक्स घर जाके सोएगा, पूरा रिफ्रेश होगा और फिर आएगा। मोबाइल वोबाइल सब शट डाउन मीन्स वो कान बंद करके झोपेगा, वो सो जाएगा वो नक्सोमी का। ब्रायन ने झोपेगा। बिल्कुल मोबाइल साइलेंट भी नहीं रखेगा, ये बहुत वो बड़ा मिस्टेक है ब्रायन का। ब्रायनिया का जोक है ना, मालूम है ना, वो कौन सा बोलो ना सर। बनिया एक मरने को आया था, पूरा अभी हाँ डेथ बेड पे है, और बाजू में दी इधर देखा, ये बड़ा लड़का है, वो बड़ा लड़का है, वो लड़की है, वो बहू है, तो बीवी है, सब है, सब है। ये पूछते सब इधर है तो दुकान पे कौन है? ये हाँ ये ब्रायन ही है, सही है। डेथ साले बेड पे भी ये सोचेंगे मेरा दुकान में क्या चल रहा है। मरने को आया है, शमशान में जाकर चिता पर लेटने की टाइम आ गई है तेरी की, और तेरे को सूझ रहा है कि मेरे दुकान में कौन है? हाँ मटेरियलिस्टिक है ये बहुत मटेरियलिस्टिक होता है, ड्राई होता है ब्रायन। और उसको लॉस ना हो जाए ना। और एक ये कि अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन पे, कोरोना के टाइम पे पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया है और वो पूछ रहा है कि बेटा दुकान पे कौन है, अरे तू मर रहा है, तू तेरा सोच ना दुकान का क्या सोच रहा है। तो ये ब्रायन ही होता है, समझा ये ब्रायन है क्यों इतना ही? सब उसका बिजनेस इंजुरी सब सब है ना, वो फियर पॉवर्टी स्टारवेशन इसके वजह से होता है। पर उसने पहले भी ऐसे झेला हुआ रहता है, तब वो ऐसा बनता यस बराबर है, तो है। ये दिल डायरेक्ट पिक्चर उसी में में से अनुपम है। खेर है ना, दिल पिक्चर में अनुपम खेर, वो पूरा प्रयाणी है। यस बराबर है, चाय वो में ना गिरी थी, वो मक्खी भी चूस के खाता है, बोलता है वो मक्खी ने चाय पिया था, वो निकल लिया।
कबाड़ी रहते हैं, कबाड़ी। हाँ वो सब चीजें वो सस्ते, उसके पास चाहे कितने भी पैसे हो लेकिन वो सब सस्ते वाला ही यूज करेगा, वो महंगा कुछ भी नहीं मेरा लेगा। भाई था ना, मेरा भाई पक्का ब्रायनिया ब्रायनिया था। हम उसने लोगों से जिंदगी में बोलते कभी हाँ नंबर निकाल के चश्मा नहीं पहना, वो ईरानी के पास से ही चश्मा लाएगा 15-20 रुपए का। बाप रे। दिखता है तो इससे काय को जाने का डॉक्टर के पास, वो 150-200 रुपए लेगा नंबर निकालने को, फिर 500-600 का चश्मा लाना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो पेट्रोल पंप पे मिलता है, काम हो जाता है मेरा। उससे हाँ ब्रायन ही ऐसे करेगा। ब्रायोनिया का लाइफ मूड है, पूरा लाइफ पूरा लाइफ एंजॉय किया है मैंने। दो लाइव मटर मेडिका था सर फिर भी। अटैक आके गए थे बंदे ने, 3 साल तक कभी ईसीजी नहीं निकाला। मैं कितनी बार बोलता था चल मैं आता हूं साथ में, नहीं अभी मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है। बिन का हमने तो पैसे काटना डॉक्टर, ये सेंटेंस रहता था उसका। पैसे काय जाएंगे तीच तो गोळी लिहून नहीं। देतात, कुठं काय बदलून देतात। तो ब्रायन है खुद के लिए बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेगा, आरसेनिक भी आखिर रहते में, लेकिन आरसेनिक ऐसे नहीं करेगा। अभी ये जो आरसेनिक आप खुद बोल के रहे हैं ना, हेल्थ के लिए नहीं, सुनो हेलो सर, खुद के हेल्थ हेलो के लिए हाँ, आरसेनिक खर्चा करेगा, ब्रायोनिक खुद नहीं दबा के करेगा। ये खर्चा करेगा, एमआरआई दबा से दोनों एमआरआई के से खर्चा डिफरेंस ये करेगा। होता है। हाँ ये समझो। हाँ बोलिए आर्सेनिक सर आप। कैसा है, आज मैं अगर 1 टाका डालूंगा तो आगे के 9 टाके बच जाएंगे, तो आज ही बराबर पैसा कर्ज कर दूंगा। लेकिन ब्रायनिया हाँ का ऐसा नहीं रहता है। अभी आपने जो स्लो अनसेट बोला ना, वो मैंने बाकायदा यस एक्सपीरियंस किया है घर में मेरे। मेरे जब भाई को चेस्ट पेन हुआ, फर्स्ट अटैक उसको जब आया ना, तो वो पूरा स्लो अनसेट था। उसने क्या स्लो ही किया, वो रहता है वो। दुकान में था, उसने क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाके उसने बीवी को पुकारा और फैन लगाने को बोला, थोड़ा झंडू बाम चेस्ट पे मलने को बोला। वो बोल रही है कि तुमको चेस्ट पेन हो रहा है, जल्दी जाएंगे हॉस्पिटल में। तो बोलता है इतना धीरे धीरे दर्द हो रहा है, तो ये चेस्ट पेन हार्ट का नहीं हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। और फिर आधा पौने घंटे के बाद वो जैसे ही ज्यादा पसीना आने लगा, तब जबरदस्ती उसको उठाया दुकान में के लोगों ने और हॉस्पिटल लेके गए थे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ब्रायनिया का स्लो ऑनसेट। ये सर स्लो ही रहता है क्योंकि देखो और पैथोलॉजी भी तैयार ऐसे ही ही आने नहीं वाली था, है। तैयार ही नहीं था। जैसे हमारी सोच अभी होती वैसे ही वो पैथोलॉजी और आती है। वो टेलर है, टेलर था मतलब एक्सपायर हो गए मेरे भाई साहब, वो टेलर थे। और दिवाली के 15-20 दिन पहले ही उनको ये सब हुआ था। तो वो डॉक्टर को भी 2-3 दिन के बाद जब रिकवरी हो गई, तो डॉक्टर को पूछ रहा था कब छोड़ रहे हो, दुकान में काम लेके रखा है, लोगों के कपड़े सी के देना है, दिवालिया सर पे है, नहीं तो वो गिराक मारेंगे मेरे को। देखो पैसे लॉस लॉस सर, ये लॉस नहीं होना चाहिए या ब्रायनिया तो का। ब्रायनिया लाइव देखा है मैंने पूरा। थैंक यू सर बहुत बढ़िया। मेरी मेरी बे भाभी को उन्होंने घड़ी नहीं लेके दी लास्ट तक। क्यों, अगर भाभी को देंगे तो बहन को भी देना पड़ेगी। जब मेरी बहन की शादी हो गई, वो उसके हस्बैंड ने जब उसको घड़ी दिलाई, तब ये इस बंदे ने अपने बीवी के लिए घड़ी खरीदी। तो बराबर है ना, इसीलिए इसके जॉइंट्स के जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट पेन क्यों है ब्रायनिया को? जॉइंट जो ऐसे ही होते है हैं ना, उनमें लूज आईसीएल होता होने है। वाले हाँ ना, ऑयल नहीं बचेगा ना, इमोशन सही नहीं। बहुत बढ़िया केस अमृता दीदी का, शुरुआत मिस हो गई मेरे से, सॉरी। कुछ भी सर, लेकिन आपने जो आइसिंग किया वो बहुत बढ़िया है, हमें उस स्लोनेस का लाइव एग्जांपल मिला सर। हम तो यस। अभी तक स्केंट नहीं पढ़ रहे थे। अरे इससे भी बढ़िया आगे का बोलता, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वहां पे कंपलसरी पैंट शर्ट पहनना पड़ता था, तो ये बंदे ने मेरे को पैंट शर्ट और शूज सेल्स में से खरीद के दिया था। वो शूज तो पहले ही दिन टूट गया मेरा। बराबर है, वो पैसे पैसे बचाने के लिए ऐसे करता है, बार्गेनिंग में है ना ये। और
मेरे को पैंट लेना पड़ेगा इसके लिए, खुद पैजामा पहन के घूमता था और मेरे को बोलता था मैं पैजामा पहनता हूँ कमाता हूँ फिर भी तेरे को क्यों पैंट चाहिए, सफेद पैजामा पहन के जा, पूरा बनिया था वो। यस बनिया रहता है ये भाई, ये ध्यान में वो रखना। शादी में इनविटेशन कार्ड आता है ना हाँ एनवलप रहता है, वो एनवलप उल्टा करके उसमें पैसा डाल के वो देता था प्रेजेंट गिफ्ट। बाप रे भगवान ये तो हद कर दी आपने, हद कर दी आपने था। देखो हमारे यहाँ पे एक सोनारे और हमारे पहचान वाले हैं, ये इतना कंजूस है ना, इसके यहाँ पे फैन है और वो बहुत पुराना वाला फैन है उसका, जो ये ना पात बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विंग्स ना, ब्लेड वो ब्लेड 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 ब्लेड, वो जो ब्लेड है ना, तो वो इतने धीरे से एक पे चलाता है वो, उसकी हवा भी नहीं लगती है बिल्कुल, और वो खुद के तरफ ही रखेगा और जो भी ग्राहक जाता है ना उनको फैन नहीं उसके दुकान में, और ये करोड़पति है सर, मीन्स उसके पास इतनी दौलत है ना पूछो, बहुत है उसके पास, जिस रोड पे जाएंगे ना उस रोड पे इसकी पांच 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 छह छह एकड़ जमीन है, और वो बैच से पैसे देता है। नहीं, कई ब्रायोनिया पेशेंट के दुकान में अगर वो बनिया है और वो अगर थोड़ा भी टैलेंटेड है ना तो जहां पे वजन करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वजन उसके ऊपर पंखा जोर से घुमाता है वो। वो ये तो मैं बोलने वाली थी आगे सर, आपको यही बोलने वाली थी, वो वैसे करता है उसका है ना, सेम सेम सर उसका है ना, और वो जो रहता है ना जिस पर हमारा वो दिखता है वो कितना वजन आता है वगैरह, वो आगे वाला है ना उसने बंद करके रखा है और खुद के तरफ ही रखा है उसका, वो गिराई को दिखने नहीं देता वो कितना है, वो मिली मिली जमा मीन्स बोलते हैं ना हम लोग, पई पई जमा करते हो, और दूसरे की अगर खाना है ना तो इतना दबा के खाएगा ना, दिन भर भूखा रहेगा और रात को दबा के खाएगा, और उसके घर पे किसी को भी नहीं बोल, चाय भी नहीं पिलाता है किसी को अरे भी, इनेमा भी एक लेके जा चाय सकते हो वन बाय टू करके देता है वो, 1/2 वो जिस दिन खाना खाने को जाने का इनेमा करके भी जाएगा, खाली पेट आ चाहिए सब। जाएगा खतरनाक रहते हैं ब्रायोनिया, ये लाइव एग्जांपल है सर मेरा, खतरनाक हाँ ना खतरनाक एग्जांपल है दिया लेकिन तो अच्छे काम से है, करते हैं। पूरा रेमेडी छाप देना। बहुत बढ़िया है, तो चलो अभी इस केस में किसी को अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग चलते। हेलो अमृता मैम, बहुत, हाँ बोला मैम, बड़े दूसरे वही में दर्शन वही से दे, रूल आउट हुआ ना। हाँ हाँ वही से रूल आउट हुआ ना जब उसने आईमोल लिया लिक्विड बच्चे का। हाँ बराबर है, वही से हुआ ना हाँ वही स्टार्ट, भी, हाँ बच्चे का लिक्विड लिया ना उसने रात को, टैबलेट नहीं लिया। हाँ मेडिकल में जाके टैबलेट लेके जा आ सकती थी, पुणे में क्या बार रात भर चल रहता है, हमारा चालू गांव रहते इतना हैं। केड़ा हाँ है तो 12 बजे तक चल रहे थे मेडिकल, नहीं हुआ तो आसपास लेना के रहता लोग तो रहते हमारे सोसाइटी से भी फ्रेंड्स, लेती ना, लेना अरे रहता तो फ्रेंड्स सोसाइटी रहते, से भी मिल जाती है। हाँ हाँ हमारे फ्रेंड्स रहते हैं ना तो हम लोग कॉल करके ले सकते हैं ना, इसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे। इसको टैबलेट नहीं खाना था, बार्गेनिंग था उसमें भी, सिर्फ सिरप से काम चल गए तो क्यों लेने का टैबलेट। वही ना, उसको नहीं खाना था, वो लाना ही नहीं था बाहर जाके, देखते हो जाएगा, तो ये स्लोनेस ही थे ना, स्लो स्लो जो बोलते हैं ना, केंट ने बोला है ना, ये स्लो ही है, उसे कंप्लेंट भी स्लोली आएगी, तो ये था ये, तो ये समझो पेशेंट को कि इसको पैसे खर्च नहीं करने थे, तो चलो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर ग्रुप में डालो, आंसर देंगे हम लोग, चले, थैंक यू, अमृता, बहुत ही बढ़िया केस, अकेले बहुत ही चले चले बढ़िया बोल बोला, रहे, कोई तैयार नहीं है एक्चुअली देखा जाए, नो वन नहीं इज लेकिन रेडी सर फॉर। हमें, सर हमें जाना पड़ेगा, अभी 10 बज गए अरे अभी घर का कुछ इतना देखना पड़ेगा, पेट पानी का, बड़ा पेट काय को पालते हो तुम लोग, अरे चार पेट है ना, एक नहीं है ना, मेरे जैसा छोटा पालो। चार पेट को खाना है ना, एक मैं पेट को नहीं देखो, खाना है। कितना खुश नसीब हूँ, खाना खाते खाते वीसी कर रहा हूँ। हाँ आपकी वाइफ इतनी मस्त।